हे गाइस, पर्पल के ऊपर सेल चल रही है, आप देख सकते हो। और कल 21 जुलाई को मेकअप मिस्ट्री सेल होने वाली है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, आपको एक के साथ एक फ्री भी मिलेगा, आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा घर राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है। ठीक है, आप स्टेक वॉकी के प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा वाला ऑफर आने वाला है। 21 जुलाई को मेकअप मिस्ट्री सेल है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना purple.com। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग में होगा कि अभी तक का जो अपडेट है ना, वो आप लोगों को मैं दूंगी। इतने टाइम से मैं आपको कुछ भी अपडेट नहीं दे रही थी, मुझे लगा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ, तो अपने हस्बैंड के घर में आ चुकी हूँ। पिछले 2 दिन से मैं अपने हस्बैंड के घर में हूँ, और 2 दिन से लाइक इतना ज्यादा यू नो यहाँ पे मेस था, इतना ज्यादा। अब घर रेनोवेट हुआ है तो आपको पता है कि शिफ्टिंग थोड़ी सी हुई है, सेटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं मतलब बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। वीडियो को एंड तक आप लोग देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। आज की वीडियो में जस्ट आप लोग अभी तक का बैकग्राउंड, अभी तक कितने 1.5-2 महीने से क्या क्या काम हुआ, बस आपको वो दिखाऊंगी मैं आज की वीडियो में। ठीक है, कल से कितना अपडेट हो गया वो अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं इधर नहीं थी 1.5-2 महीने से, इसलिए क्योंकि आरब इस घर में रहता तो बिल्कुल भी रेनोवेशन और शिफ्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो मैं मुझे ना इतने टाइम से जो भी हो रहा था ना, हस्बैंड बहुत सारी अपनी व्हाट्सएप पे ना मुझे फोटोज या फिर छोटी छोटी वीडियोज बना के सेंड कर रहे थे, तो सारा डाटा मेरे फोन में है राइट नाउ। मैं बस वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वॉइस ओवर कर दूंगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एंड कि आज डे क्या है मैं आपको वो बता दूं, 18 जुलाई है। 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी जस्ट शावर लेके, क्योंकि सारा दिन बहुत ज्यादा काम ये वो बिल्कुल भी बहुत गंदी हुई थी मैं, चलो अभी शावर लेके आई हूँ। एंड मैं करने वाली हूँ अपने स्किन केयर रूटीन, साथ साथ में स्किन केयर रूटीन करूंगा, साथ साथ में आपके साथ बातें करूंगी, चिट चैट करूंगी। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ टोनर अप्लाई, एल्फ गुडनेस का टोनर है, और मैं यहाँ पे नहीं थी ठीक है इतने टाइम से, लेकिन हस्बैंड मुझे बहुत सारी ना उन्होंने पिक्स, जैसे जैसे घर का काम होता रहा, अपडेट होता रहा, मुझे उन्होंने बहुत सारी पिक्स छोटी छोटी सेंड करते रहे, वीडियोस छोटी छोटी सेंड करते रहे, तो वो सबको ना एक साथ करके वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आगे मैं डर रहेगी आओ हटे भागे ठीक है, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। राइट नाउ मैंने टोनर अप्लाई कर लिया, अभी मिलवाती हूँ मैं भाग के, और क्या अपडेट है अभी तक का वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, राइट नाउ मैंने अप्लाई किया है असेंस गुड वाइब्स का, देख ना पाएंगे आजो नहीं आ रहे, बस फटाफट से ये काम करना है। इन्होंने खाना वगैरह खा लिया, दूध वगैरह पी लिया, सो जाऊंगी सुबह को, क्या अपने स्कूल जाना है। असेंस अप्लाई कर लिया मैंने, एंड जस्ट मैं अब ये अप्लाई करने वाली, जेल नहीं अप्लाई करने लगी क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा, मैं थकी पड़ी हूँ। गुड वाइब्स की ये है एलोवेरा अनसतीवा वाली सीड वाली क्रीम है ठीक है। आपको हर एक ब्रांड के ऊपर आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको देख लेना आप एक बार जाके। जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ सबके परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लेना। ये निविया के लिप बाम है, एंड आई एम डन विद माय स्किन केयर। और अगर आप नाइट क्रीम और नाइट जेल क्रीम अगर आप सोच रहे हो मैंने नहीं अप्लाई की, तो वो मुझे मिली नहीं रही। मैं आपको सब कुछ टूर करवाऊंगी, लाइक मेरा बाथरूम का टूर करवाऊंगी, सब कुछ नया बनवाया है और कोशिश की है थोड़ा बहुत इसको अपडेट करने की। इट्स नॉट दैट लेवल ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल मत हो जाना ठीक है, कि बट जितना हम करवा सकते हैं, जितनी हमारे पास ही लोग अंडरस्टैंड करो, उतना हमने अपडेट किया। और एक्चुअली घर का हाफ पोर्शन ना सेल कर दिया, हाफ पोर्शन सेल कर दिया, तो हाफ पोर्शन में मेरा बेडरूम भी आ रहा था। क्यों सेल किया, कैसे सेल किया, क्या कारण था, क्यों रीजन था, क्या जरूरत थी ठीक है, प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत करना प्लीज, क्योंकि इट्स ऑल पर्सनल ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज आप लोग ऐसा नहीं करना। जस्ट सिंपल सी बात इतनी है, हाफ पोर्शन सेल कर दिया था। अब हाफ पोर्शन जो था मेरे इधर पूरा बरांडा था इतना बड़ा सा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे, मेरा बड़ा सा बरांडा था जहाँ पे कुछ भी नहीं, पेंट वगैरह भी नहीं किया हुआ था, तो बस वहीं पे अपना हाफ पोर्शन सेल कर दिया।
तो इतनी सी जगह पे अपना बेडरूम बना लिया, बाकी इतना सा बरांडा भी बचा हुआ है। ठीक है, तो बस वही थोड़ा सा आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी एट द एंड, लाइक आफ्टर 10 डेज 15 डेज जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को मैं हाउस टूर भी जरूर करवाऊंगी। और लेकिन बीच बीच में अगर ब्लॉगिंग की तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा आपको हस्बैंड के साथ मिलवाती हूँ, आरव के साथ मिलवाती हूँ। एंड यप, यहाँ पे मुझे एक पिंपल हो गया, यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि 2 दिन से मैं लाइक काम कर रही थी ना, 2 दिन से मशीन लग रही है, मानोगे 2 दिन से लगातार मशीन, और अभी भी मेरा काम, अभी भी मानोगे इतने कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। लाइक कल भी मैंने मशीन लगा, कल सिर्फ सारे हस्बैंड के कपड़े धोए थे सारा कुछ। आज मैंने क्या धोया, आज मैंने सोफे के कवर धोए और थोड़े बहुत जो कपड़े थे इधर उधर फैले पड़े थे और वो सारी चीजें धोई। कल मैंने क्या धोना है, कल मैंने कर्टन्स धोने हैं। लाइक बहुत कुछ है, बहुत सारा काम है। एनीवेज चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। हाँ जी, ये है मेरे हबी हस्बैंड। और बेड वगैरह देखो हमने सेट वगैरह कर लिया है, लेकिन आपको देखोगे ना वीडियो को एंड तक तो आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा मैस था। बेड कैसे सेट किया, लाइक भैया बुलवाए थे 2-3 और साथ में इन्होंने भी किया था, वो सब मैंने कुछ नहीं शूट किया, नथिंग मैंने कुछ नहीं शूट किया क्योंकि यार इतना नहीं कर पाए। एंड बाकी मैं कल से व्लॉगिंग करूँगी अगर कर सकी तो। हेलो तो बोलो। हेलो। और अरब, आरव का चश्मा कैसे लग रहा है भाई, बताओ फटाफट बताओ ना आप लोग कमेंट करके, क्योंकि जैसे मैंने कैमरा ऑन किया आरव ने चश्मा डाल लिया। आज पापा की जान ले लेंगे, पापा मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पता नहीं इसको क्या कलेक्शन इकट्ठा करने की पड़ी है। एनीवेज यही है, अब आप देखोगे कि मैंने, आपके पास है ना फोटोज वगैरह इन्होंने बहुत फुटेज है। हाँ, इन्होंने मेरे लिए लाइक मुझे सेंड करते थे ना व्हाट्सएप पे छोटी छोटी फोटोज क्लिप्स, जो भी अपडेट था वो सब कुछ मुझे सेंड किया, मेरे फोन में भी है, तो सब कुछ मैं उसको जोड़ दूंगी वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलो अब आप देखो कि इतने टाइम से हमने क्या काम करवाया और क्या अपडेट है। बाय बाय। सॉरी फोन आपको थोड़ा सा शेकी लग रहा है क्योंकि हाथ में पकड़ा है मुझे, मेरा ट्राइपॉड ही नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख लो बच्चे ने भी देखो फटे हुए कपड़े डाल दिए उसको मैंने, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था इसका पजामा, इतना था कि मैंने धो दिए इसके कपड़े, मैं ढूंढ रही थी मुझे मिला ही नहीं, मैं कि भाई जो है तू डाल ले। बट एनीवेज अब आप देखो कि सारा देखो अब पीछे से बैकग्राउंड। Hey guys, बहुत महीने पहले मैंने ना एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने अपने प्लांट्स को मेकओवर दिया था, पेंट वगैरह किया था अपने प्लांट्स के गमलों को जितना भी होता है, और उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे बेडरूम के सामने बहुत ज्यादा स्पेस है, पूरा बड़ा सा छत है, तो उसी छत पे हाफ ऑफ द पोर्शन, घर का पूरा आधा पोर्शन सेल हो गया है। तो क्यों बेचा, क्या बेचा, कैसे बेचा, वो डियर पर्सनल मैटर है, वो आप छोड़ दो। और ये देखो ये मेरे पहले वाली वीडियोस हैं, वो उसी की मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। तो चलो अब आधा पोर्शन बेच दिया गया है, तो उसमें से हाफ पोर्शन का हमने जो भी था जो हमारे पास है उसको हमने रेनोवेट किया, क्योंकि मेरा आधा बेडरूम भी चला गया था, तो बेडरूम तो अब सामने बनाना था, जो इतना पूरा छत खाली था वहां पे हमने बेडरूम बनाया। ये वो वाली पिक्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड करते थे जब मैं अपनी मम्मा के घर में थी ना, तो पर्सनल पिक्स हैं व्हाट्सएप पे जो मुझे वो सेंड किया करते थे कि ये देखो ये अपडेट हो गया, आज ये अपडेट हो गया, तो वही चीजें हैं ये इस फोटो में दिखा रहे हैं कि देखो मैंने सामने ना प्लग वो पॉइंट वगैरह रख दिया चार्जिंग के लिए पॉइंट, क्योंकि मैंने उनको बोला था रूम बनाओगे 3-4 चार्जिंग के पॉइंट्स रख देना, ये थोड़ा सा अब जब ये विंडोज के लिए ये लकड़ी का जो काम होता है वो लग चुका था, जब पहली लाइट जलाई थी रूम में, हमारे बेडरूम अब तैयार हो चुका है, फर्स्ट लाइट जब जली थी ना उसकी भी उन्होंने पिक डाली थी। अब ये देखो ये हमारा नया वाला जो बेडरूम बना है वो बिल्कुल तैयार हो गया, दोनों तरफ विंडोज रख ली है, एक तरफ वैसी रखी है, और अब ये स्विच दिखा रहे थे मुझे कि देखो बेड के बिल्कुल पास स्विच लगा दिया है। मतलब जो जो उन्होंने मुझे पिक सेंड की ना, जस्ट मैं सबको ऐड करके ना आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करके शेयर कर रही हूं। और ये छत के ऊपर मेरे सारे प्लांट्स रख दिए क्योंकि अब नीचे रखने की जगह नहीं थी, तो भैया टैप लगा रहे हैं छत के ऊपर। छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखा गया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये फ्रंट से मेरा घर कुछ इस तरह का नजर आ रहा था, दिन का टाइम था, अब ये रात को कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। एंड छत पे मैंने क्या करवाया था, इनको बोला था कि आपने एक स्टोर रूम तैयार कर दो ताकि जो एक्स्ट्रा सामान होता वो छत पे चला जाए, तो ये उसके रूम का अंदर का है, क्योंकि पहले इन्होंने थोड़ा सा ना पतला रखवाया था, थोड़ा छोटा रखवाया था रूम, तो मैं नाराज हो गई थी, मैंने बोला था कि थोड़ा बड़ा रखवाओ एटलीस्ट सारा सामान तो अंदर आ जाए। तो ये देख लो पूरा छत के ऊपर इस तरह से रूम बनवाया। एंड अब बारी आती है बाथरूम की, तो बाथरूम पहले जो था बहुत गंदा था, ये नई वाली टाइल्स है,
दे आर गुड, सुंदर हैं, लेकिन इससे और अच्छी हम लोग चूज कर सकते थे, बट पता नहीं क्या हुआ हमने नहीं चूज की। ये अच्छी लगी, सुंदर है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी, बट मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था। एंड अब देखो बाथरूम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पहले जो था बहुत ज्यादा मेस हुआ पड़ा था, अब बाथरूम भी कंप्लीट हो गया। उसके पिक्स डालनी थी मुझे हस्बैंड ने, एंड फिर यहाँ पे एक नया स्विच बोर्ड लगवाया था क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा यहाँ पे था ही नहीं एक्चुअली स्विच बोर्ड, यहाँ पे मैं अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह कई बार लगाती थी इसलिए लगवा दिया उन्होंने। एंड फिर ये मेरी किचन है जहाँ पे मैं अपना काम वगैरह करती हूँ, तो वहां पे बिल्कुल कच्चा फर्श था, मिट्टी वाला फर्श था ना सीमेंटेड, वहां पे अब हमने पूरे घर पे ये सेम फर्श डलवा दिया, टाइल्स है वैसे तो ये, पूरे घर पे सेम ऐसी टाइल्स डलवा दी, बरांडे में भी और सब तरफ लॉबी वगैरह में। वो देख लो मेरे बर्तन पड़े हुए लाइक सब कुछ मिट्टी में भरा हुआ है, बट सब कुछ क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे। एंड ये देखो मेरा इस तरफ जो आपको ब्राउन टेबल नजर आ रही है मेरे काम का टेबल, मैं एक ही रूम में किचन का भी मेरा आधा हो जाता और आधा मेरे काम का टेबल भी हो जाता। अब ये मेरा बेडरूम है जहां पे अब ये टाइल्स वगैरह लग रही है, अब ये लॉबी बरांडा नहीं हम जिसको बोलते जहां पे लाइक वैसे ही और वो वाली जगह थी वो, अब ये छत है, छत भी अब सामने तक बन चुका है। एंड ये एक्चुअली ये पहले वाला कोई स्विच बोर्ड था, खराब था, पुराना था, ये वहां पे उन्होंने अपडेट करवाया, नया करवा दिया। ये बाथरूम का मुझे दिखा रहे थे, मतलब जो जो यार पिक्स मुझे उन्होंने सेंड की थी ना आरफ के पापा ने, मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब चलो पेंटिंग की बारी आ गई, तो मैंने जस्ट सिंपल व्हाइट कलर का भी पुट्टी हुई है, पेंट नहीं करवाया था वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा चलो बाद में करवा लेंगे। एंड अब ये देखो हाउस की क्लीनिंग करवा रहे थे, ये भैया से थोड़ा सा आई गेस हार्पिक वगैरह डलवाया हुआ था फर्श पे जब सारा बन गया था रूम, उसके बाद ये सारी क्लीनिंग करवाई। जो इधर वाली आप दीवार देख रहे हो ना वहां पे भी टाइल्स वगैरह लग गई हैं, ये मुझे हस्बैंड ने वीडियो बना के सेंड की थी कि देखो कैसा बन गया है। एंड या फिर ये रहा बेडरूम बिल्कुल क्लीन नया तैयार हो गया। एंड ये आप सारा सामान आप सोचो यहाँ पे अगर आरव होता तो आरव बिल्कुल भी काम नहीं करने देता, ये इन्होंने दूसरे एंगल से फोटो खींच के भेजी है, बिल्कुल छत पे जाके इन्होंने ये वाली फोटो खींची थी कि छत पे देखो ऊपर से देखो नीचे कैसा लगता है। ओके ये वाली वॉल थी ये बहुत ही ज्यादा अनटाइडी सी वॉल लगती थी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसा लगवा दिया क्योंकि बाद में यहाँ पे मैं वॉश बेसिन लगवा दूंगी। ओके अब ये छत पे प्लस्तर का काम चल रहा था, साथ में देख सकते हो आप मेरे प्लांट्स भी बेचारे बीच में घूम रहे थे। एंड फ्रंट से भी अब थोड़ा सा नो पुट्टी वगैरह हमने करवा दी, पेंट करवाएंगे बाद में करवाएंगे, अभी बहुत लंबा एक डेढ़ महीने से काम चल रहा था, पागल हो गए थे। नए रूम में अब बारी आती थी सामान को डालने की, शिफ्ट करने की, तो देखो सोफा पड़ा हुआ है, बेड खुल के पड़ा हुआ है, दरवाजा पड़ा हुआ है, गद्दे पड़े हुए हैं, लाइक अलमारी पड़ी है, ड्रेसिंग टेबल भी एक ही रूम में है। और ये है छत का सीन, छत पे ये कार्टून्स वगैरह पड़े हैं, मेरे हस्बैंड के ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो वो वाले कार्टून्स पड़े थे। ये नया फैन लेके आई थी मैं और मेरा भाई सुमित, हम जाके नया हैवल्स के फैन लेके आए थे हैवल्स की एजेंसी से, तो वही भी मुझे फोटो भेजी थी उन्होंने। अब छत का सारा काम हो गया, क्लीनिंग करवा दी। एंड ये मुझे दिखा रहे थे कि देखो दूसरी जगह पे भी मैंने फैन लगवा दिए, एक रूम में दो लगवाए थे, ये नया डोर चूज किया था, ये मैंने खुद ही चूज किया था, उन्होंने दो तीन ऑप्शन दिए थे मुझे कि चूज कर ले जो तुझे चाहिए, फिर ये वाला लगवा दिया। एंड ये देख लो मैस देख लो अब राइट नाउ, क्योंकि मैस नहीं है सारा सामान है इसी तरह से पड़ा हुआ। एक्चुअली यहाँ इस फोटो में ना मुझे अपना हैंडल दिखा रहे हैं दरवाजे का क्योंकि ये मैंने ही चूज किया था। एंड अब बारी आती है खिड़कियां पेंट करने की, तो चलो अब उसको पेंट करवाया, मतलब आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो रियल होता है ना रेनोवेशन, बड़ा छोटा वर्ड है, उसको कैसे डिटेल में होता है ना वो मैंने आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे वॉश बेसिन मैं हस्बैंड आरव हमने जाके चूज किया था, वॉश बेसिन लेके आए और भी जो चीजें होती है बाथरूम का जितना सामान है मैं और मेरा भाई सुमित मिस्टर बग्गा हम जाके सब साथ में जाके हमने खरीदा। बस 20,000 का सामान तो मैं बाथरूम का ही लेके आ गई थी क्योंकि मुझे मेरा बाथरूम बिल्कुल नया चाहिए था। और ये देख लो सेल्फ हो गया या फिर ये सारा कुछ अब देख सकते हो शावर हो गया या एवरीथिंग हैंड शावर हो गया क्योंकि वीडियोस वगैरह में ना मुझे ये सारा कुछ की जरूरत पड़ती है। सुमित के घर में सब कुछ लगा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा था वहां पे, मैंने बोला यहाँ पे सब कुछ आप अपडेट करो विंडोज का भी, ये दोबारा से आई गेस मैंने फोटो डाल दी। एंड बस अब छत पे मेरे हस्बैंड ने सारी प्लांट्स वगैरह सब कुछ सेट करवा दिए, प्लांट्स थोड़े से अनटाइडी हो गए हैं बट एनीवेज फैन दिखा रहे थे कि देखो कितनी सही स्पीड में चल रहा है। जब मैं घर आई थी ये तब की वीडियो है, मैंने दो दिन बाद जाके शूट किया क्योंकि मैं जब काम कर रही थी मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट किया,
बट आप ये देख सकते हो अभी मैंने धोए हुए कपड़े जो डाले हुए थे वो दिखा रही थी। और एक्चुअली ये वीडियो ना मैंने वैसे ही शूट कर ली थी बिफोर एंड आफ्टर के लिए कि देखो पहले कितना मेस था, बट पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो रेनोवेशन और शिफ्टिंग ये मजाक नहीं है, लाइक पूरा घर उथल पुथल हो जाता है, समझ ही नहीं आती। एंड हमने देखो यहीं पे जमीन पे गद्दा बिछा के हमने दोबारा अपना लंच वगैरह किया। और ये बस मैं वैसे दिखा रही थी इधर उधर की कितना ज्यादा हर जगह, मतलब समझ देखो प्रेस कहाँ पे पड़ी थी टेबल के ऊपर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जो जगह है यहाँ पे मार्बल लगेगा, थोड़ा सा भैया आएगा और वो जो पॉट था वो उसको फेंकना है क्योंकि हमने नया लगवा लिया। वहां पे जगह इसलिए नहीं पेंट करवाई थी क्योंकि वहां पे टाइल्स लगनी थी, बर्तन जहाँ पे मैं धोती हूँ। ये है मेरा बाथरूम, पूरा अपडेट हो चुका है, मैंने सारा कुछ लगवा लिया था। एंड ये मैं रही, ये यार दो चार चीजें थी जो मुझे आमने सामने नजर आ रही थी ना चीजें, ये बस मैंने उनको वहां पे रख दिया था उनको क्लीन करके, क्योंकि मुझे था कि कहीं से तो शुरू करूंगी अपना काम करना। तो आप देख सकते हो अभी तो मैंने बहुत कुछ रख दिया अपने बाथरूम में। बोलोगे ना मैं आप लोगों के साथ एक बाथरूम का अपना टूर शेयर करूंगी, बहुत सारे चीजें रख दी है मैंने उनको। एंड ये अब मैं बाहर आ गई एंड यहाँ पे फ्रिज रख दी, बहुत ज्यादा मैस हुआ पड़ा। और देखो जहाँ पे मैं काम करती हूँ उसका हाल देख लो टेबल का, बट यार राइट नाउ मैंने उसको क्लीन कर लिया है। ये मैंने 4-5 दिन पहले ये वाली वीडियो शूट की थी ना, तो आज एडिट कर रही हूँ। और देखो शिफ्टिंग इसको कहते हैं, रेनोवेशन इसको कहते हैं, बट रियल जो होता है ना बिहाइंड द सीन वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आधी से ज्यादा चीजें तो फेंकने वाली, उनको फेंक दूंगी। वो जो सीढ़ियों पे आप गन देख रहे हो वो भी फेंकने वाला सब कुछ। एंड मैंने कपड़े धोए थे तो वही कपड़े थोड़े से डाले हुए मैंने स्टैंड के ऊपर। ये देख लो मेरे काम करने वाला स्टैंड जहाँ पे मैं काम करती हूँ, उसका हाल देखो भाई, देखो माई। ओके अभी तक आप लोगों ने अपडेट देख लिया कि कितना ज्यादा मेस है घर पे। तो कल से मैं व्लॉगिंग करूंगी, 2 दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट किया क्योंकि टाइम नहीं लगा यार। साथ साथ में भैया काम कर रहे थे, मैं साथ साथ में झाड़ू लगा रही थी, तो नॉट पॉसिबल कि हम उसको मैं शूट कर पाऊँ। बट कल से जो काफ़ी हद तक सेटिंग होगी है ना, काफ़ी हद तक होगी है, वो हम धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। एंड यप यही था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगे। एंड जो जैसे अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड कैसा लगा, अगर आप चाहते मैं ऐसी फ्यूचर में थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करती रहूँ तो वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर करना। हाँ जी मेरा बेटा बोलो। आप 10 नंबर वाली वीडियो में आप हमारा घर देखेंगे। 10 नंबर वाली वीडियो में नहीं, कौन सी 10 नंबर वाली वीडियो? बोल, उसको पता है कि अभी तक ये इतनी जल्दी अपडेट नहीं ना हो पाएगा इसलिए। ओके। हाँ अभी व्लॉगिंग करूंगी मैं थोड़ी बहुत, अभी तो बहुत सेटिंग करनी है, बट चलो पूरे कमरे चलो बाय बोल दे यार, बाय गुड नाइट बोल दे, गुड नाइट बोल दे, हमारी नहीं गुड नाइट, गुड नाइट हमारे कमरे जितने हैं उतनी ही वीडियो बनेंगी। हेलो मेरी माता, चल फिर बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट।